पोर्ट टू BSNL का आप पोस्टर देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे और ट्विटर पे एक तरह से आपको बता दें कि मुहिम छेड़ दिया गया है कि पोर्ट टू BSNL, चाहे वो सिम एयरटेल का हो, जियो का हो या फिर VI का हो, सभी सिमों को पोर्ट करने की जो बात कही जा रही है वो BSNL में कही जा रही है, क्योंकि इसका रेट जो है बहुत कम है बाकी सिमों से। लेकिन आपको हम बता दें कि इसमें भी कई समस्याएं हैं, जिस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट बाकी सिमों के ज्यादा है लेकिन इसकी जो सर्विस है काफी ज्यादा बेकार है। आपको हम बता दें कि BSNL को उतना उत्तम दर्जा नहीं दिया गया है जिस प्रकार से बाकी सिम 5G सेक्टर पे काम कर रही है, इसका अब तक 4G जो है वो बढ़िया से काम नहीं कर पाया है। आपको हम बता दें कि जिस प्रकार की मुहिम ट्विटर पे छेड़ दी गई है पोर्ट टू BSNL, तो आपको हम दिखाएंगे आज पूरे तस्वीर में, पूरे वीडियो में आप दिखाएंगे आपको किस प्रकार से यूजर्स जो है वो पोर्ट टू BSNL की ओर जाने की कोशिश भी कर रहे हैं। कुछ यूजर का ये भी मानना है कि जिस प्रकार के सर्विस BSNL के पास है कहीं ना कहीं इससे समस्या हो सकती है, तो एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई की बात जो है कही जा रही है। आपको हम बता दें कि पहला आप पोस्टर देख पा रहे हो किस प्रकार से लिखा हुआ है BSNL पोर्ट टू BSNL, जिस प्रकार से इंटरेस्ट ऑफ रेट बढ़ाया गया है सिमो को लेकर के और इसका विरोध जो है लोग करना शुरू कर चुके हैं। आपको हम नेक्स्ट तस्वीर में दिखाएंगे किस प्रकार से इंटरेस्ट ऑफ रेट बढ़ाए गए हैं, कितना असर आपकी जेब पे पड़ सकता है और क्या कुछ बदलाव जो है पहले के मुताबिक अब किए गए हैं। यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार से बाकी यूजर्स के मुताबिक, आपको हम बता दें कि सबसे ज्यादा यूजर्स जो है वो जियो के पास है, एयरटेल के पास है, उसके बाद VI के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा बजट का जो फर्क पड़ सकता है, किस प्रकार के अंतर सामने देखे जा सकते हैं, कितना पैसा, जिस प्रकार से पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% 11% था और 25% 27% कर दिया गया है, तो इस हिसाब से कितना कम मुनाफा अब इन कंपनियों को होने वाला है। तब हम दिखाते हैं किस प्रकार से रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए गए हैं और क्या इसका असर पड़ने वाला है। सबसे ऊपर आप देख पा रहे होंगे जियो है जो कि 48 करोड़ यूजर्स है इसके पास, दूसरे नंबर पे एयरटेल है जिसके पास 39 करोड़ यूजर्स है, तीसरा नंबर पे जो है वोडाफोन आइडिया, इस पर 22 करोड़ 37 लाख यूजर है। तो आपने देखा है इसमें किस प्रकार के आंकड़े सामने आ रहे हैं, जियो जो है नंबर वन पे है, दूसरा नंबर पे एयरटेल है और तीसरा पे VI है। यूजर्स के मामले में 109 करोड़ यूजर्स लगभग इन तीनों कंपनियों के पास है, 109 करोड़ यूजर्स का जो मुनाफा इनको जाने वाला है कितना जाने वाला है हम आपको ये भी बताएंगे, लेकिन पहले आप ये देखिए 27 जून को रिलायंस जियो ने अपने रेट में 12% से 27% बढ़ा दिया है, 28 जून को एयरटेल ने भी अपने रेट 11% से 21% बढ़ा दिया है और 29 जून को वोडाफोन आइडिया ने भी अपने रेट को 10% से 24% बढ़ा दिया है। आपको हम बता दें कि टोटल यूजर्स जो है 109 करोड़ है, जिसका टोटल मुनाफा इनको जो साल का होने वाला है वो 34,824 करोड़ रुपए पड़ेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि साल में जो भारत के जो नागरिक है जो 109 करोड़ यूजर्स है उनसे 34 करोड़ लगभग इनको मुनाफा होने वाला है और लगभग इतने पैसे जो हैं वो आपके और हमारे जेब से जाने वाले हैं। तो इसको लेकर एक मुहिम छेड़ दिया गया है पोर्ट टू BSNL, लेकिन क्या BSNL तक जा पाना, BSNL को यूज करना इतना आसान होगा, क्योंकि जिस प्रकार का सुविधा हमें जियो और एयरटेल दे चुका है क्या वो सुविधा BSNL हमें प्रोवाइड करवा पाएगा, जिस प्रकार के नेट की और सर्विस की जरूरत है हमें क्या वो BSNL देख पाएगा। तो आप देखिए किस प्रकार के यूजर्स जो हैं वो दोनों ही बातों को रख रहे हैं, उनका एक तरफ ये भी कहना है कि BSNL को चुनना जरूरी है क्योंकि एयरटेल जियो और VI जिस प्रकार से अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं आने वाले दिनों में ये और आगे लेकर जाएंगे, इसको लेकर के काफी ज्यादा कठिनाई हो सकती है। तो आपको हम दिखाते हैं इसमें और कुछ क्या है, इस तस्वीर को देखिए, इसमें बताया गया है कि जिस प्रकार से BSNL में पोर्ट करने की बात तो कही जा रही है, तो क्या BSNL में पोर्ट करने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, क्या जो नेट और जो सर्विस हम चाहते हैं क्या वो हमें मिल पाएगा, क्या इस प्रकार से हमें नेटवर्क के लिए घूमना पड़ेगा। तो आपको हम बताते हैं कि यूजर्स ने किस प्रकार से BSNL को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो आपने देखा है यूजर्स का साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ जो कंपनियां हैं जो एयरटेल जियो और VI हैं वो अपना सर्विस रेट बढ़ाते जा रही हैं और मनमाना रेट हमारे ऊपर थोपा जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी कंपनी है BSNL जिसके टावर के लिए हमें पूरे धरती का चक्कर लगाना पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है उनको साफ तौर पर कहना है कि एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है तो हम किधर जाए। तो आपको हम बता दें कि भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, कई लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, कई लोगों का मानना है कि हमें BSNL की ओर जाना चाहिए और BSNL को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से एकाधिकार जो है प्राइवेट कंपनियों का अगर हो जाता है तो कहीं ना कहीं मनमाना रेट जो है उनका
चलने लगता है। जिस प्रकार से एयरटेल, जियो और वीआई ने अपना इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है, अगर बीएसएनएल के पास भी अपना 5G होता तो आज लोग जो है बीएसएनएल से जुड़ते, और जुड़ने के बाद आज ग्राहकों की संख्या में भारी बढ़ोतरी होती। लेकिन आज जो है बीएसएनएल के पास एक अच्छी सर्विस ना होने के कारण से लोग जियो और एयरटेल की तरफ रुख कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इन सब समस्याओं से निकलने के लिए क्या लोगों को सड़कों पर आने की जरूरत है? जिस प्रकार से लोग बोल रहे हैं कि आप हमारा समर्थन कीजिए, सड़कों पर आइए, और जिस प्रकार से मनमाना रेट जो है कंपनियां वो बढ़ा रही हैं, उनका भी यह कहना है कि हम एआई की तरफ जा रहे हैं और हमें उस पर खर्चा करने के लिए पैसे की जरूरत है, जिसके लिए हम इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से रेट बढ़ाए गए हैं, क्या वो सही है या फिर इसका विरोध होना चाहिए? दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करे www.dikshans.com।